हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी द टॉपिक लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन। इन दिस टॉपिक वी स्टडी सम डिफाइंस एंड सम क्वेश्चंस। फर्स्ट है इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस। इफ देयर इज ए पॉइंट कॉमन टू टू लाइंस ए एंड एल एंड एम, वी से दैट द टू लाइन इंटरसेक्ट at the point P, and this point P is called the point of intersection of the given lines। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारी टू लाइन्स होती हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है L और M। जब ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो क्या कहलाता है? वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये दोनों लाइन्स L और M क्या कहलाती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्या क्या कहलाती हैं? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इसमें देखिए, यहाँ पर इसने कट करा, ये P हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। P को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और लाइंस कौन कौन सी हो गई ये इंटरसेक्टिंग लाइंस? L और M। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो है, हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस आपकी समझ में आ गई। L और M दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और जहाँ पर ये काटेंगी बीच में एक दूसरे को P पॉइंट पर, वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम डिफाइन। नेक्स्ट डिफाइन है हमारी कॉलिनियर पॉइंट्स। थ्री और मोर पॉइंट्स इन ए प्लेन आर सेट टू बी कॉलिनियर। यदि किसी प्लेन में थ्री और मोर पॉइंट्स हों, इफ दे ऑल लाई ऑन द सेम पॉइंट, यदि वो सारे के सारे सेम लाइन पर हो, यदि वो सारे के सारे सेम लाइन पर हो, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ कॉलिनियरिटी, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ कॉलिनियरिटी। ठीक, अब इस फिगर में देखिए, इस फिगर में हमारे थ्री पॉइंट्स आ रहे हैं ए बी सी। थ्री पॉइंट्स शो हो रहे हैं ये, और ये एक ही लाइन पर हैं। ये जो लाइन जा रही है एक ही लाइन पर है, तो ये सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे हमारे? ये सारे पॉइंट्स कहलाएंगे ए बी सी कॉलिनियर पॉइंट्स। एबीसी क्या कहलाएंगे हमारे? कॉलिनियर पॉइंट्स। और ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम? इस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ कॉलिनियरिटी। क्या बोला जाएगा इसको? लाइन ऑफ कॉलिनियरिटी। ये तो हो गई फिगर वन का। अब फिगर टू में देखिए आप, फिगर टू में लाइन पर केवल दो पॉइंट हैं, पी और क्यू। ठीक है, सेकेंड फिगर में केवल दो पॉइंट हैं पी और क्यू, और बाकी के जो पॉइंट हैं आर और एस, वो दोनों लाइन से बाहर हैं। तो इसकी डिफाइन में पहले ही दिया हुआ है थ्री और मोर लाइंस, थ्री और मोर पॉइंट्स। तो किसी भी लाइन पर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट होने चाहिए, तभी वो कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे, अदरवाइज वो कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं कहलाएंगे। यहाँ पर थ्री पॉइंट थे एक ही लाइन पर, तो इसलिए ये ए बी सी कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाए। यहाँ पर पी क्यू केवल दो ही थे, इसलिए ये कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं कहलाएंगे, और ना ही ये लाइन ऑफ कॉलिनियरिटी कहलाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्क्रुएंट लाइंस। कॉन्क्रुएंट लाइंस में क्या होता है? थ्री और मोर लाइंस इन ए प्लेन आर सेट टू बी कॉन्क्रुएंट। थ्री और मोर लाइंस, तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस, तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस, ये ध्यान रखिएगा, ये डिफाइन में पहले ही आ जाता है। थ्री और मोर लाइंस इन ए प्लेन आर सेट टू बी कॉन्क्रुएंट, वो क्या कहलाएंगी? कॉन्क्रुएंट कहलाएंगी इफ ऑल ऑफ देम पास थ्रो द सेम पॉइंट, यदि वो सारी की सारी किसी सेम पॉइंट से होकर जाती हैं। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ये पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ द गिवन लाइन, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ द गिवन लाइन। ठीक है, अब इसके एक एग्जांपल देखिए। इस एग्जांपल में देखिए, हमारी लाइंस दी हुई हैं, लाइंस एक तो L, M, N और P, ये हमारी लाइंस हैं। और ये लाइंस थ्री से ज़्यादा हो गई, मैंने बताया था यहाँ डिफाइन में थ्री और थ्री से ज़्यादा, तो फोर हो गई हैं एक तो, और दूसरा सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये रहा सेम पॉइंट से होकर जा रही हैं, लिखा हुआ था सेम पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये? ओ पॉइंट से होकर जा रही हैं। तो ये कैसी लाइंस कहलाएंगी? ये कहलाएंगी कॉन्क्रुएंट लाइंस। ये सारी लाइंस क्या कहलाएंगी? L, M, N और P कॉन्क्रुएंट लाइन।
और ये जो O पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ये O पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो इस तरीके से हमने इसकी डिफाइंस पढ़ ली और इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फोर लाइन सेगमेंट। हमें फोर लाइन सेगमेंट बताने हैं, फोर रे बतानी है, थर्ड पॉइंट में टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स बतानी है जो एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका फोर लाइन सेगमेंट। तो फोर लाइन सेगमेंट कौन सा हो गया, एक तो हो गया पी आर, दो पॉइंट है पी और आर। उसके बाद हो गया पी क्यू, ठीक है, पी और क्यू दो एंड पॉइंट हो गए, क्यू एस, क्यू और एस दो एंड पॉइंट हो गए, आर एस, आर एस दो एंड पॉइंट हो गए, फोर लाइन सेगमेंट हो गए। इसके बाद पूछी थी फोर रेज, फोर रे क्या होती हैं, इसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ ये एक्सटेंड होती है, तो ये हो गया पी ए, ठीक है। दूसरी हो गई क्यू सी, तीसरी हो गई आर बी, चौथी हो गई एस डी। तो इस तरीके से ये इनका वन तो एंड पॉइंट है और दूसरी साइड ये एक्सटेंड हो रहे हैं। इसके बाद फिर हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, थर्ड पॉइंट है टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स। टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स में क्या होता है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, वो हमारी दो लाइन आमने सामने की लाइन सेगमेंट आमने सामने की ले सकते हैं, जैसे पी आर और क्यू एस, पी आर और क्यू एस ले लें, या पी क्यू और आर एस ले लें, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे हमने पी आर ली तो पी आर क्यू एस को नहीं इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, और पी क्यू, पी क्यू आर एस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब देखिए इसका आंसर, ये रहे फोर कौन कौन से हो गए, मैंने आपको बताए थे पी आर क्यू आर, पी आर क्यू क्यू आर, क्यू आर नहीं है, ये है हमारा पी क्यू, क्यू पी बोल सकते हैं इसको, ये है इसमें पी आर और पी क्यू और हमारा आर एस और इसके बाद है पी आर, ठीक है, इसका ये पी आर, ठीक, इसमें आ गए हमारे फोर पी आर और ये आया हमारा इसके बाद फिर पी क्यू, ये आ गया पी क्यू, इसके बाद आर एस, ये आ गया आर एस और ये चौथा बचा हमारा क्यू एस। तो ये जो हमारा बचा हुआ है ये है हमारा क्यू एस, कौन सा है ये क्यू एस, ठीक है, कौन सा वाला है ये क्यू एस। इसके बाद हमने कहा था फिर फोर रेज, फोर रेज कौन कौन सी, ये बढ़ रही पी ए, तो ये आ गई पी ए, फिर ये थी पी क्यू सी, क्यू से सी की तरफ, तो ये जा रही क्यू से सी की तरफ, फिर थी आर बी, तो ये जा रही आर बी, फिर ये एस डी, तो ये आ गई हमारी एस डी, ठीक है। इसके बाद हमने पूछ, हमने कहा था इसमें लाइन सेगमेंट्स, तो इसमें जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैंने बताया था आपको आमने सामने के ले सकते हैं, तो इसमें लिया हुआ है पी आर ये, और इसके सामने कौन सा है क्यू एस, तो ये ले लिया। हम ये भी ले सकते हैं पी क्यू, और इसके बाद क्या है आर एस, तो हम आर एस ये भी ले सकते हैं, या तो इसको ले लो या इसको ले लो, दोनों ही हमारे सही हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स की डिफाइन लिखनी है, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉ पास थ्रू फ्रॉम थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मैंने बताए थे एक ही लाइन में होते हैं पॉइंट्स, और गिव थ्री कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट डू दे डिटरमाइन नेम देम। उनमें कितने लाइन सेगमेंट्स हो सकते हैं उसके नेम बताने थे। तो अब देखिए इसमें, इसमें फर्स्ट पॉइंट था व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसकी डिफाइन दे दी गई है कोलिनियर पॉइंट्स की, थ्री और मोर पॉइंट्स इन ए प्लेन आर सेट टू बी कोलिनियर। वो क्या कहलाते हैं, कोलिनियर कहलाएंगे इफ दे ऑल लाई ऑन द सेम लाइन, यदि वो सारे पॉइंट एक ही लाइन पर होते हैं तो क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। ये तो डिफाइन हो गई इसकी। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है इसने, ये एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया हुआ है, इस पर ए बी सी थ्री हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। ए बी सी क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। इसके बाद सेकंड पॉइंट में था इसका, हाउ मैनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, हम कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक लाइन ड्रॉ हो रही है, नहीं हो रही है केवल, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा, इन द फिगर गिवन अबव पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, वी कैन ड्रॉ एग्जैक्टली वन लाइन। कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एग्जैक्टली वन लाइन पासिंग थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स।
इन थ्री कॉलिनियर पॉइंट्स से होते हुए हम केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अब पूछा था सेकंड कि उसमें लाइन सेगमेंट्स कितने होंगे, तो उनके नेम हम दे सकते हैं। कितने लाइन सेगमेंट्स होंगे? एक ए बी, फिर बी सी और तीसरा ए सी। तो वो कौन से हो गए? थ्री लाइन सेगमेंट ए बी, फिर दूसरा बी सी, फिर तीसरा ए सी। ठीक है, ये थ्री लाइन सेगमेंट्स हमारे आ गए, वो हम इसके यहाँ पर नेम दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन द फॉलोइंग फिगर नेम, ये फिगर है हमारी, इसमें बताना है फोर पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो फोर पेयर्स बताने हैं, तो इसके बाद कहिए फोर कॉलिनियर पॉइंट्स, ऐसे कॉलिनियर पॉइंट्स बताने हैं जो केवल एक ही लाइन पर हों, और थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जो नॉन कॉलिनियर हों, मतलब एक लाइन पर ना हो। और चौथा है थ्री कॉन्ग्रुएंट लाइंस, कॉन्ग्रुएंट लाइंस मैंने आपको बताई थी तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस एक ही पॉइंट पर कटती हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट लाइन कहलाती हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट देखना है हमारे, वो पॉइंट है हमारा पी और एस, आपको फिगर में दिखाई दे रहा है पी और एस, इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं। इसके बाद कहा है इसने थ्री लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पी, थ्री लाइंस बतानी है कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट पी पे कौन कौन से हैं। ठीक है, अब हम इसके आंसर देखते हैं। इसके आंसर आ गए फोर पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो फोर पेयर्स इंटरसेक्टिंग लाइंस के कौन कौन से हो गए? पहला हो गया ये रहा ए बी। ठीक है, ए बी, ए बी के, ए बी से कौन सी कट रही है? ये रही पी क्यू, ये कट रही है इस पॉइंट पर, ये आ गई पी क्यू। इसके बाद फिर दूसरा लिया ए बी, यही वाली लाइन हो गई ए बी, फिर कौन सी कट रही है इस पर? आर एस, ये कट रही आर एस। ठीक है, ये आ रही एस पर कट रही है। इसके बाद फिर इसने लिया लाइन ये रही सी डी, ये रही सी डी, और सी डी पर कौन सी कट रही है? सी डी पर हमारी कट रही है, अभी दिखाते हैं आपको, ये सी डी हो गई, ये वाली ये जा रही लाइन ये सी डी, इस पे लाइन कौन सी कट रही है? ये पी क्यू कट रही है, ये लाइन कौन सी कट रही है? पी क्यू, कौन सी कट रही है? पी क्यू। तो ये लिख दी पी क्यू। फिर इसने सी डी ले ली, यही वाली सी डी ले ली, और सी डी पर और कौन सी लाइन कट रही है? ये आर एस भी कट रही है, ये आर एस आ रही। ठीक है, तो ये आर एस दे दी। तो हमें फोर पेयर देने थे, हमने फोर पेयर लिख दिए इसमें। इसके बाद फिर सेकेंड पॉइंट है फोर कॉलिनियर पॉइंट्स ए क्यू एस बी, फोर कॉलिनियर, मैंने बताया था एक ही लाइन पर फोर होने चाहिए, तो हमने इस वाली लाइन के लिए हैं ए क्यू एस और बी, एक ही लाइन पर है तो इसने लिख दिए ए क्यू एस बी। आप ये भी ले सकते हैं, आप ऊपर वाले भी ले सकते हैं। ऊपर वाले कौन कौन से हैं? सी पी आर डी, तो आप यहाँ लिख सकते हैं सी पी आर डी, या तो ये वाले फोर लिख दीजिए या ये वाले फोर लिख दीजिए, एक ही आंसर है। ठीक है, इसके बाद आया हमारा थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं जो एक लाइन पर ना हो, तो हम बहुत सारे हैं इसमें, तो आप कोई से भी लिख सकते हो। इसमें तो केवल मैंने शो कर दिया है ए क्यू पी, ए और पी, ए और क्यू एक साथ है और पी अलग है, तो ये नॉन कॉलिनियर हो गए, बाहर हो गया। ठीक है, मैंने आपको डिफाइन में भी दिखाई थी एक फिगर जिसमें पी क्यू तो एक साथ थे और आर एस लाइन से ऊपर थे, तो वो नॉन कॉलिनियर की कंडीशन होती है। ऐसे इसमें है, इसमें ए क्यू तो हमारे एक साथ हैं और पी बाहर है, और चाहें तो बहुत सारे हैं इसमें, क्यू एस ले लें और ऊपर से आर लिख दो, पी लिख दो। ठीक है, थ्री लेने हैं हमें, या एस भी ले लो एक साथ, आर ले लो, तो इसमें तो बहुत सारे हैं, आप दो एक साथ, एक एक लाइन वाले ले लो और एक बाहर लाइन वाला ले लो। ठीक है, तो इसमें नॉन कॉलिनियर्स आ जाएंगे जो एक लाइन पर नहीं है। थ्री कॉन्ग्रुएंट लाइन, कॉन्ग्रुएंट लाइन्स क्या होती हैं? जो एक ही पॉइंट पर तीन या तीन से ज़्यादा लाइन हो रही हों, तो वो ये वाला पॉइंट है एक एस और एक पी, इस पर थ्री लाइन्स कट रही हैं। थ्री लाइन अब हम नीचे वाले का दिया हुआ है, इसमें पहला है ए बी, ये रहा ए बी। ठीक है, तो हमने ए बी लिख दी, ए बी एस पॉइंट पर कौन कौन सी कट रही हैं? ए बी कट गई, फिर दूसरी कौन सी कट रही है? पी एस, ये रही पी एस। ठीक है, तो हमने ये पी एस लिख दी, और तीसरी कौन सी कट रही है? ये रही आर एस, तो हमने तीसरी आर एस लिख दिया। ठीक, पता चल गई ए बी पी एस और ये आर डी आर एस, तो ये थ्री एक ही लाइन पर, एक ही पॉइंट पर कट रहे हैं एस पर, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट लाइंस है। ठीक है, इसके बाद आया इसने थ्री लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पी, पी पर कौन कौन सी लाइंस कट रही हैं वो बता दीजिए।
तो पी पर कौन कौन सी कट रही है, एक तो सी डी होकर जा रही है, ये रही सी डी, तो ये सी डी लिख दी। फिर कौन सी आ रही है, पी क्यू हो जा रही है, एक ये पी क्यू लिख दी। फिर एक जा रही है ये हमारी पी एस, ये आ रही नीचे पी एस, ये आ रही पी एस ये वाली, तो ये हमने पी एस लिख दी। तो केवल ये देखना है पी पर, इसने स्पेशली कहा है इंटरसेक्शन पॉइंट पी होना चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट पी होना चाहिए। पी से कौन कौन सी होकर गुजर रही है, सी डी गुजर रही थी और पी क्यू गुजर रही थी और हमारी पी एस गुजर रही थी ये वाली। तो इस तरीके से ये हमारी हो गई पी पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट ड्रॉ ईच इन द फॉलोइंग फिगर्स। केवल लाइन सेगमेंट्स बताने हैं हमें। देखिए ये दो फिगर हैं, फर्स्ट फिगर में हमारे कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं, 1 AB, फिर 2 AC, 3 AD, चौथा BD, पांचवा DC और छठा BC। इसमें 6 आ रही हैं हमारी, ठीक है। आंसर देखते हैं अब इसका, ये रहे 6 लाइन सेगमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, वही हैं AB ये आ गई और AC ये आ गई हमारी, फिर AD बीच वाली हो गई है, इसके बाद फिर BC, ये पूरी BC आ गई, ये रही, इसके बाद फिर BD, ये रही BD और इसके बाद फिर DC, ये DC आ गई, ठीक है। तो ये 6 लाइन सेगमेंट्स। इस वाले फिगर में देखते हैं कितने हैं, इस वाले फिगर में 1, 2, 3, 4 तो यही हो गई, फिर 5 और 6, ठीक, 7 और 8, ये फिर पूरी 9 और ये फिर पूरी 10, ये दो क्रॉस कर रही है ना बीच में, वो पूरी पूरी भी आएंगी। अब ये देखिए वही इसने आंसर दिया हुआ है, यार आंसर हमारा इसमें 10 दी हुई है, 10 AB ये आ गई AB, फिर BC ये आ गई, फिर CD ये आ गई, फिर DA ये आ गई, AD बोल दें या DA बोल दें, इसके बाद फिर AC ये वाली पूरी लाइन ले ली AC, फिर ये वाली पूरी लाइन BD ले ली, फिर इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले, बीच में O से डिवाइड हो रही है इसलिए इनको भी ले लिया, AO ये आ गई, फिर CO ये आ गई, OC भी लिख सकते हैं, CO भी लिख सकते हैं, फिर BO ये लिख दिया, फिर OD ये लिख दिया, ठीक है। तो ये 10 हो गए। अब हम नेक्स्ट फिगर देखते हैं इसी किसी टाइप से। नेक्स्ट फिगर है ये, इसमें बतानी है हमें कितने लाइन सेगमेंट्स हैं। एक तो ये रहा 1, 2, 3, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 लाइन सेगमेंट्स हैं। हम 6 लाइन सेगमेंट्स देखते हैं इसके कौन कौन से हैं, ये रहे 6 लाइन सेगमेंट्स। पहला दिया AB है ना, ये आ गई AB, फिर AF ये आ गई AF, फिर FB ये आ गई FB, बीच में ये जा रही FB, ठीक, ये आ गई 3 पहले वाली ट्राइंगल की। अब दूसरा ट्राइंगल बना हुआ है पीछे की साइड, उसके दे देते हैं EC, ये आ गई EC, फिर ED ये रही ED, ये जा रही ED, ये आ गई ED, फिर DC ये आ गई DC, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी 3 इसके हो गए। तो हमारे 2 ट्राइंगल थे, 3 और 3, दोनों की टोटल मिलाकर के 6 लाइन सेगमेंट हो गई। अब हम नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर है हमारी ये, इसमें कितने हैं, इसमें हमारे 12 हैं। काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9, 10, 11, 12 हैं। अब हम 12 देखते हैं कौन कौन सी हैं। नेम में देखिए ए पे ए से कौन कौन सी होकर गुजर रही हैं वो देख रहे हैं। पहले हम ए से AB हो गई, AD हो गई और AE हो गई, AB, AD और AE, ए वाले ख़त्म हो गए। अब B पर देखते हैं, जो एक बार लाइन सेगमेंट आ जाएगी उसको दोबारा नहीं लेना है। अब B पर AB तो हमारी ऊपर आ चुकी थी B वाली, तो उसको लिखेंगे नहीं। फिर कौन कौन सी बची हमारी, BC, ये रही BC, और कौन सी बची, BF ऊपर आ गई, तो ये दोनों लिख दी, BF और BC। इसके बाद फिर हम लेंगे C पर कौन कौन से हैं। सी पॉइंट ये है, सी पर BC भी आ रही है लेकिन BC ऊपर ले लिया, वो नहीं लेंगे। अब लेंगे CG, ये ले ली CG, और कौन सी जा रही है सी से, ये रही CD, तो CD ले ली, ये ख़त्म हो गई। अब के बाद सी के बाद हमारा D आएगा, D की पहले ही हो चुकी है हमारी। इसके बाद हम लेंगे H, ठीक है, H पर कौन कौन सी कट रही हैं, H पर ये कट रही है HG, तो HG आ गई, HE तो HE आ गई, ये रही, और उसके बाद HD नीचे आ रही है तो HD आ गई। HD लिख दें या DH लिख दें वो एक ही बात है, ठीक। अब हमारी
ई से देखते हैं, ई पर। ई पर कौन कौन सी हैं? ए ई, ए ई बनती, लेकिन ए ई पहले ही आ चुकी है, इसको नहीं लिखेंगे। फिर ई एफ आ गई, ठीक, और जी एफ, जी एफ, जी एफ कौन सी आ गई, ये रही जी एफ, ठीक है। तो इसका तरीका ये है, इसका सबसे बेस्ट तरीका, जो भी आप लाइन लगाते जाओ उसको काटते जाओ, जैसे ए बी लिखी तो ए बी काट दी हमने, ठीक है। जो भी आप करते जाओगे तो आपको पता रहेगी ये लाइन हमने ले ली है, ए बी ए ले ली, फिर ए डी ले ली, ए डी कौन सी है, ये कट गई, फिर ए ई ले ली। अब इनके नेम आने ही नहीं है, अब कौन कौन से बचे, अब बी वाले देख लो, बी एफ ले ली हमने और ये बी सी ले ली, ये कट गए। अब कौन सी बची, सी जी ले ली, ये आ गई सी जी। फिर कौन सी बची, ये हमारी जी एच बची, या सी डी ले लो, सी डी ले ली, ये रही सी डी। उसके बाद फिर कौन सी ले ली हमने, एच जी, ऊपर से ये बच गई एच जी, ये आ गई, ठीक है। फिर एच ई ले ली, ये भी खत कट गई। फिर डी एच ले ली, डी एच नीचे वाली ले ली, ये आ गई सब, ठीक है। फिर कौन सी बची हमारी, ई एफ बची, ये इस पर मार्क नहीं था तो ई एफ लिख दी। और किस पर मार्क नहीं है हमारे, एक इस पर मार्क नहीं है, जी एफ, तो जी एफ पर मार्क लगाते जाइए और उसके नेम नोट करते जाइए, आप भूलोगे भी नहीं और सारी मार्क भी हो जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में कहा गया है ए लाइन सेगमेंट हैज ए, लाइन सेगमेंट में मैंने बताया था उसकी डेफिनेट लेंथ होती है, तो क्या जाएगा इसमें, डेफिनेट लेंथ। ए रे हैज रे, रे हमारी कितने एंड पॉइंट होते हैं, रे केवल एक साइड बढ़ती है, रे किस साइड बढ़ती है, केवल एक साइड, ये इस टाइप से, ये कंडीशन होती है रे की, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ होता है। तो कितने एंड पॉइंट हैं इसमें, केवल एक, कितने एंड पॉइंट हैं, वन, तो यहाँ जाएगा वन एंड पॉइंट, ठीक है। ए लाइन हैज, एक लाइन बनाते बनाकर देखते हैं ये लाइन, ठीक है, इस टाइप से शो होती है ये इस साइड भी बढ़ती है और इस साइड भी बढ़ती है, इसमें कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं है, तो क्या जाएगा, नो, एन ओ नो, क्या जाएगा, एन ओ नो एंड पॉइंट। ए रे हैज नो डेफिनेट लेंथ, रे की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, रे की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, ये बढ़ती चली जाती है आगे तक कहीं तक भी, ठीक है। ए लाइन बी ड्रॉन ऑन ए पेपर, एक लाइन को हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि हम उसको दोनों साइड कहीं तक भी बढ़ाई जा सकते हैं, केवल पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन ड्रॉ नहीं कर सकते, तो आ जाएगा इसमें यहाँ पे कैन नॉट। अब देखिए इसके आंसर, फर्स्ट में आ गया डेफिनेट, मैंने आपको बताया था, सेकंड में आ गया वन एंड पॉइंट, थर्ड में आ गया नो एंड पॉइंट, फोर्थ में आ गया डेफिनेट और फिफ्थ में आ गया कैन नॉट। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस आज के सारे फिनिश हो गए और आपका लाइन सेगमेंट, रे और लाइन वाला टॉपिक भी क्लियर हो चुका होगा आई होप, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे, स्टे होम एंड बी सेफ।